हेलो दोस्तों, आप वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि के मैप में हम कैसे नंबर्स को फिलिंग करते हैं, जो एक्सप्रेशन दिया होता है उसको कैसे फिल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लॉट द बूलियन एक्सप्रेशन वाई इक्वल्स टू ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी ऑन द के मैप। पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। जो गिवन है y इक्वल्स टू क्या गिवन है, ए बी सी बार ए बार बी सी ए बी बार सी बार और ए बी सी। तो ये कौन सी फॉर्म में गिवन है, मैं आउटपुट यानी y जो गिवन है कौन सी फॉर्म का है। सबसे पहले ये गिवन है ये एसओपी फॉर्म है ना। एसओपी फॉर्म में क्या होता है, जीरो रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल को, और वन रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल वेरिएबल को। के मैप पर इसको ड्रॉ करना, कितने वेरिएबल तक देख रहे हैं हमें, ए बी सी तीन वेरिएबल। तो नंबर ऑफ सेल्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ सेल्स 2 की पावर 3 यानी 8। इतना पता चल गया। अब इनको देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अभी अभी हमें पहले क्या करना है, इनकी जो वैल्यू है वो पता लगाना है। तो ये पता चल गया, नॉर्मल वैल्यू को 1 से रिप्रेजेंट करना और 0 से कॉम्प्लीमेंटेड वाले को। तो ये कितना हो जाएगा, 1 ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये कॉम्प्लीमेंटेड है। नेक्स्ट ये कितना, 0 1 1। नेक्स्ट ये 1 0 0। नेक्स्ट 1 1 1। तो यहाँ पे लिखते हैं हम y इक्वल्स टू समीशन। देखो एसओपी के लिए समीशन m, समीशन मिन टर्म, ठीक है। तो ये मिन टर्म का समीशन क्या क्या आया यहाँ पे, 1 1 0 1 1 0। नेक्स्ट 0 1 1, 1 0 0 और 1 ट्रिपल 1। तो ये कितना आ गया, समीशन m, इनका डेसिमल इक्विवेलेंट लिखो, 1 1 0 1 1 0 होता है 6, 0 1 1 होता है 3, 1 0 0 होता है 4 और 1 1 1 होता है 7। ये लिख दिए। अब इसको क्या करना है, के मैप पर ड्रॉ करना। तो के मैप कितनी सेल चाहिए मुझे, 8। 8 सेल का बनाओ। पिछला वीडियो देखना जरूरी था, इसीलिए मैंने हर एक उसमें कितनी सेल्स होती हैं उनको कैसे बनाते हैं ये सब उसमें बताया, ठीक है। इससे पिछली बारी वीडियो जरूर जाकर देख लें। हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, कौन कौन से, ए बी सी, ए बी सी। तो यहाँ पे क्या होता है, 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ पे 0 1। इस वाली सेल का नंबर क्या होता है, इसका 0, इसका 1, पिछले वाली वीडियो में देखा था आपने, इसका 3, इसका 2, इसका 4, इसका 5, इसका 7, इसका 6, ये इनके नंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर हमारा एक्सप्रेशन, ठीक है, किसमें दे रखा हो, एसओपी, तो हम जो इन नंबर्स को भरेंगे, इन नंबर्स को इसमें फिल करेंगे, ठीक है। तो 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो 6 है, जहाँ पे 6 है वहाँ पे क्या लिखेंगे, फिल 1 फिल करेंगे, ठीक है। जहाँ पे 3 है वहाँ पे 1 फिल करेंगे, जहाँ पे 4 है वहाँ पे 1 फिल कर दो, जहाँ पे 7 है वहाँ पे 1 फिल कर दो। तो ये हो गया के मैप में हमारा जो एक्सप्रेशन था उसका प्लॉट। अगर हमारा पीओएस फॉर्म में दे रखा हो तो इसी टाइप से नंबर जो होंगे उन्हें क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे 0 से, क्योंकि देखिए 1 जो होता है नॉर्मल वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया पीओएस होगा, वहां पे नॉर्मल वेरिएबल होता है 0 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ये कौन सी फॉर्म है, वाई जो दे रखा किस फॉर्म में, ये पीओएस फॉर्म है। पीओएस में क्या होता है, 0 रिप्रेजेंट करता नॉर्मल वेरिएबल को और 1 कॉम्प्लीमेंट। नंबर ऑफ सेल्स कितनी चाहिएगी यहां पे, नंबर ऑफ सेल्स कितने वेरिएबल है, ए बी सी 3 ही वेरिएबल दिख रहे हैं यानी 8। तो इसका पता लगा उसमें कौन कौन से इनके इनके नंबर है। तो वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मैं लिखता हूं यहां पे, यहां पे इसको वहां पे समीशन m लिखते थे, यहां पे क्या लिखेंगे, पाई कैपिटल m, ठीक है, एम फोर मैक्स टर्म। अब देखो इसका नंबर क्या होगा, नॉर्मल वाले को लिखना, नॉर्मल वाला कौन सा होता है, 0 से,
और वन कॉम्प्लीमेंट वाला वन से, तो ये नॉर्मल है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वाले का क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये नॉर्मल है, ये तो ये नॉर्मल है, तो इनके क्या क्या नंबर आ गए, 0 1 1 1 0 0 000, तो ये कितना आ गया इनका डेसिमल इक्विवेलेंट में लिखूंगा, 0 1 1 होता है 3, ये होता फोर, यहाँ ये होता है 0 000, ठीक है। वो के मैप 8 सेल्स का बनाओ, एक दो तीन, 8 सेल हो गई, हमारे वेरिएबल ए बी सी हैं, ए बी सी यहाँ पे होता है 0 0, ये 0 1, ये 1 1, ये 1 0, 0 1, इनके अंदर की वैल्यू वो भरो, इस वाले सेल के नंबर 0 1 3 2, ये याद होने चाहिए जल्दी जल्दी करने के लिए, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, 4 5 7, ऐसे 0 1 3 2 4 5 7 6, इस टाइप से याद रखना है। अब देखो थ्री थ्री कहाँ, यहाँ पे किससे भरेंगे इस बार, जीरो से, क्योंकि पीओएस फॉर्म में, पीओएस में क्या होता है, नॉर्मल वेरिएबल जीरो जीरो से रिप्रेजेंट होता है, जो नॉर्मल वैल्यू होगा उसी से रिप्रेजेंट करेंगे बस, 4 एंड 0, तो ये हो गया के मैप में पीओएस का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इस टाइप से इसको प्लॉट करते हैं, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो के मैप पर बेस्ड होंगे, ठीक है। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।